अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और औलाद पर। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए 9 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक कैसा गुजरेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मुख्तसर सतारफ बुर्ज मिज़ान वालों का। बुर्ज मिज़ान के लोगों में ज़हनी तवाज़ुन होता है। वो किसी चीज़ के बारे में किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए उसके तमाम मनफी व मस्बत पहलू पर गौर व फिक्र करते हैं और कोशिश करते हैं कि गैर जानबदार नतीजा अखस करें, मगर सही फैसला करना एक मुश्किल काम है। चनाचे होता यह है कि बास चीज़ों को बुर्ज मिज़ान के लोग सही जांच लेते हैं और खसूसन लिबास व डेकोरेशन की मुआज़नियत, लेकिन दूसरे अक्सर अमूर में वो सही फैसला नहीं कर पाते। वो लोगों में या उनके मुख्तलिफ ख्यालात में तवाज़ुन पैदा करना चाहते हैं ताकि इख्तलाफात मिट जाएं और तमाम मामले ठीक हो जाएं। ये एक अच्छी खसूसियत भी है दूसरों के दरमियान सुलह कराने की। ये पैदाइशी खसूसियत के बायस वो अपने हलके में मकबूल हो जाते हैं, लेकिन छानबीन करने, एक तराजू में दूसरे के ख्यालात और सरगर्मियों को अपने नुक्ते नज़र से तोलने से वो एक ऐसी चीज़ से महरूम हो जाते हैं जो ज़िंदगी में खुशकिस्मती का एक बड़ा बायस है, और वो है इत्मीनान। लोग इनकी इस तजर्बाती आदत से तंग आ जाते हैं और किसी न किसी बहाने उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। बुर्ज मिज़ान के लोगों में एक फितरी नरमगोई होती है, इससे दूसरों पर अच्छा असर पड़ता है और वो इन लोगों के हल्का अहबाब में दाखिल होकर बुर्ज मिज़ान के लोगों के ख्यालात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालने की कोशिश करते हैं। ये लोग फ्यास होते हैं, खुशबाश और अच्छी अदात वाले बुर्ज मिज़ान के लोगों को पुरसरार अलूम में बहुत दिलचस्पी होती है। नौता 16 अक्टूबर आपके बुर्ज में सियारा मरीख जो कि 4 अक्टूबर को दाखिल हो चुका है। इस बुर्ज का क्याम 19 नवंबर 2019 तक यहाँ रहेगा। बुर्ज मिज़ान में मरीख को वबाल होता है। इन अयाम में आपको शरीक हयात से मुतल्लिका तमाम अमूर पर बहुत एहतियात से काम लेना होगा। महबूब या शरीक हयात से तल्लकात भी ख़राब हो सकते हैं। बात बात पर गुस्से में आ जाना और बने बनाए काम को भी बिगाड़ देता है। इन याम में आपको खुशखबरी की उम्मीद है। सफ़र के दौरान एहतियात करें, अपने असासे कमतरी से बाहर आएं, मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन आपके बुर्ज पर ज़ुहल की नहुसत पड़ती रहेगी। 17-25 अक्टूबर इस हफ्ते सैद नज़र जोहरा तस्दी जोहल कैम हो रही है। इन याम में निकाह नस्बत के लिए बेहतर वक्त होगा। अगर इन्हीं याम में किसी से पैमाने मोहब्बत बांध लेंगे तो वो इस्तवार रहेंगी। मालदार खवातीन से तल्लकात कैम रहें तो इस हफ्ते माली फ़ायदा भी मुमकिन है। अपनी शानदार शख्सियत के बदौलत नए तलकात से फ़ायदा उठाइए। जोहरा 8 अक्टूबर से 2 नवंबर बुर्ज अक्रम में रहेगा। इस बुर्ज में इसको इंतहाई गर्दिश का सामना होता है, लहजा एहतियात करें। 26-31 अक्टूबर इस हफ्ते अतारत करान जोहरा की सैद नज़र कैम हो रही है। इस नज़र के तहत इस बुर्ज में मुतलका अफराद की मंगनी या शादी मुमकिन है। महबूब से मुलाकात का अच्छा मौका है। बिगड़े हुए मामला बेहतरी की जानब रुख इख्तियार कर लेंगे। मुकदमा और पंचायती फैसलों में कामयाबी होगी। आप इस दौरान बेहतर लाया अमल भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन याद रखें सियारों की नज़र बता रही है इस हफ्ते किसी पर भी आप एतबार न करें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।